आप सभी को वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आइए आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को फिर से मैंने एक प्रोडक्ट परचेज किया है उसका अनबॉक्स करने वाले हैं और उनका अनबॉक्सिंग आप लोगों को दिखाने वाले हैं। वो कौन सा प्रोडक्ट है वो आज भारी भरकम प्रोडक्ट है उसका अनबॉक्स करेंगे। तो वो कौन सा भारी भरकम प्रोडक्ट है वो अनबॉक्स करते हैं तो ही आपको पता चलेगा। आइए उससे पहले मैं आप लोगों को उनका कुछ बॉक्स किस टाइप से है वो दिखाते हैं कैसा बॉक्स है। ये देख सकते हो ये रहा फाइनली अपना बड़ा सा बॉक्स जिसे मैं अभी अनबॉक्स करने वाला हूँ और इसके अंदर क्या है ये मैं अनबॉक्स करता हूँ उसके बाद ही आप लोगों को पता चलेगा इसके अंदर क्या है। और कुछ इसका बॉक्स देख सकते हो इस टाइप से अमेजोन से मैंने परचेज किया था और इसका बॉक्स कुछ इस टाइप से देख सकते हो आप सभी लोग। तो आइए आप लोगों को इसका कुछ पैकिंग वगैरह जो है वो पीछे वाले बैक वाले कैमरे से दिखाते हैं क्या सब है इसके अंदर और अनबॉक्स करते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। ये देख सकते हो आप सभी लोग इसका पैकिंग कुछ इस टाइप से और ये देख सकते हो बड़ा सा पैकिंग के साथ ही ये मुझे डिलीवर हुआ है अमेजोन से। ये देख सकते हो मेरा शिपमेंट इस तरह से है और इधर से देख सकते हो आप सभी लोग। तो आइए फाइनली इसे अनबॉक्स करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं इसके अंदर क्या है क्या सब मुझे मिला है। ये अमित इसे अभी अनबॉक्सिंग कर रहा है ये देख सकते हो आप सभी लोग इसे फटाफट कटिंग कर रहे हैं। ये फाइनली खुल चुका है अपना ये देख सकते हो अब क्या है इसके अंदर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देख सकते हो गाइस प्राइज आप लोगों के लिए तो उठ नहीं रहा। ये देख सकते हो गाइस इसमें ये कैसियो का मैंने कीबोर्ड परचेज किया था ये देख सकते हो फाइनली आप सभी लोग। ये कैसियो का कीबोर्ड मैंने परचेज किया था ये देख सकते हो ये कीबोर्ड था इसके अंदर और ये कैसियो का ये CTX 870 IN ये मॉडल है और द ग्रेट इंडियन कीबोर्ड देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रेट इंडियन कीबोर्ड डिजिटल कीबोर्ड है और इसे खोलने के बाद ही पता चलेगा इसका क्या सब इसके अंदर फीचर वगैरह है। तो उससे पहले आप सभी लोग देख सकते हो इसके फीचर के बारे में इसके डब्बा पे देखते हैं क्या सब लिखा हुआ है इसके बारे में जो भी बताया होगा वो सारा जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हो फाइनली कीबोर्ड का पिच बैंड है और ये सब देख सकते हो इस पर कुछ इसका क्या सब कैसे है इसी टाइप का इसके अंदर कीबोर्ड होगा तो इसे अनबॉक्स करेंगे वो सारा सब कुछ आप लोगों को बाद में बताएंगे। और उससे पहले आइए देख सकते हो इधर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो इसका इसके अंदर कौन सा फीचर वगैरह कितना फीचर वगैरह वो सारा सब कुछ इस पर मैंसन है तो वो सारा सब कुछ ये देख सकते हो आप सभी लोग। 26 इंडियन रिदम्स है उसके बाद टोटल 195 रिदम है उसके बाद यहाँ देख सकते हो 21 इंडियन टोन्स एंड 600 टोन्स इसके अंदर अवेलेबल है। ये देख सकते हो सारा यहाँ पे रिदम का ये भांगड़ा वगैरह ये क्या सब है ये देख सकते हो दांडिया वगैरह ये सारा ये सब टोन इसमें रिदम है और यहाँ पे देख सकते हो इंडियन टोन्स में दिया गया है हारमोनियम संतूर उसके बाद ये है सरोद है और ये है सेनाई ये है तानपुरा तबला और ये रहा मैनुअल तानपुरा का दिया हुआ है ये सारा सब कुछ है इसमें। और यहाँ देख सकते हो इसमें दिया गया USB फ्लैश मेमोरी इसमें आप एक्स्ट्रा दिया है इसमें ये एक्स्ट्रा फीचर इसके अंदर और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 6 ट्रैक्स सॉन्ग इसमें दिया गया है सस्टेन पैडल भी इसमें इसका फीचर है और यहाँ पे ये देख सकते हो 4 इसमें और इसका फीचर है 4 सेट्स एंड 8 बैंक्स इसका रजिस्ट्रेशन है इसमें और यहाँ पे देखते हो पावरफुल साउंड है उसके बाद क्या है लेयर मोड लोअर 1 और अपर 2 इसमें दिया गया है और इसमें 48 नॉट पॉलीफोनी और यहाँ पे ये सारा सब कुछ है और यहाँ देख सकते हो न्यू एडवांस साउंड इंजन उसके बाद टच रिस्पॉन्स का भी फीचर है और यहाँ पे देख सकते हो SFX टोन्स इसमें 57 है और यहाँ पे ऑडियो इन विद सेंटर कैंसिलेशन का भी फीचर है। तो आइए इसके साइड वाले पर्सन में दिखाते हैं वहाँ पे क्या सब लिखा हुआ है इसके बारे में तो ये देख सकते हो कुछ यहाँ पे और इनका MRP देख सकते हो गाइज 15,495 लेकिन आप लोग इसमें परेशान मत होइएगा इतना प्राइस का मुझे पड़ा नहीं है ये बहुत ही डिस्काउंट में मुझे पड़ा है और मैंने इसे अमेजोन से परचेज किया था ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में अमित के लिए। तो ये सारा इसका है इसमें और ये देख सकते हो यहाँ पर भी ये सारा फीचर वगैरह इसमें जो भी था वही सारा जो ऊपर में लिखा हुआ था वही सारा सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए इसे खोलते हैं फाइनली अपना कीबोर्ड निकालते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कीबोर्ड अनबॉक्स किया जाए। कीबोर्ड अनबॉक्स हो रहा है ये देख सकते हो गाइस
फाइनली खुल चुका है और इसके अंदर से अब देखो क्या सब निकलने वाला है गाइस। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है अभी। ये रहा फाइनली अपना, मेरा दिल का टुकड़ा ये देख सकते हो फाइनली गाइस अब इसमें से निकल रहा है। ये रहा इसका बुक स्टैंड। अब इसके बारे में जो भी जानकारी है वो आप लोगों को अमित प्रोवाइड करने वाला है। तो ये देख सकते हो क्या सब निकाल रहा है, आप सबको बताइए व्यूवर्स को। अडेप्टर, इसमें अडेप्टर दिया गया। अडेप्टर दिखाई कैसा है, दिखाई ये देख सकते हो गाइज। ये अडेप्टर जो है इसमें अमित बता रहे हैं कि इसमें जो कैसियो कंपनी का अडेप्टर नहीं दिया जाता, इसमें दूसरा ही मेड इन इंडिया अलग ही कंपनी का इसमें अडेप्टर दिया जाता है। फाइबर एसी कुछ ऐसी है लिखा हुआ, देख सकते हो फाइबर एसी अडेप्टर इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो। इसके अंदर से पहले मैं कीबोर्ड निकालता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सारा सामान को साइड में रखते हैं, सबके बारे में आप लोगों को बताएंगे क्या सब है। तो ये देख सकते हो गाइस अपना फाइनली कीबोर्ड निकल रहा है इसके अंदर से, कैशियो CTX 870 IN। ये देख सकते हो अमित निकाल रहे हैं इनको, निकाला जाए ये देख सकते हो। वहीं रखिए डब्बा के ऊपर। ये देख सकते हो अपना कीबोर्ड फाइनली निकल चुका है, फाइनली कीबोर्ड अपना निकल चुका है। कीबोर्ड का कुछ व्यू देख सकते हो आप सभी लोग। अब इसमें से इसको कवर को हटाते हैं और दिखाते हैं आप सभी लोगों को। ये रहा सरप्राइज, ये अमित के लिए, मेरे लिए। ये देख सकते हो गाइस फाइनली कैसियो CTX, देख सकते हो अमित इसे चूम रहे हैं, कितना ज्यादा एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का है। और देख सकते हो इसके फीचर वगैरह जो भी है वो सारा इस पे मेंशन है। ये देख सकते हो आप सभी लोग क्या सब है, ये सारा सब कुछ इस पे लिखा हुआ है। 160 साउंड बैंक है, 195 रिदम्स है, जिसमें 21 इंडियन रिदम है और 26 इंडियन टोन है, इंडियन टोन है। हाँ, टोटल 600 टोन है। और क्या है, और इसमें आपको ये देखिए यहाँ पे, ये पहले ये देखिए, ये जो है पावर बैंक पिच बैंड है, पिच बैंड। हाँ पिच बैंड देख सकते और हैं। क्या सब इसके अंदर, इसके अंदर फिर आपको ये जो रजिस्ट्रेशन बैंक है, रजिस्ट्रेशन बैंक यहाँ पे देख सकते हैं, जूम कीजिए। ये देख सकते हो रजिस्ट्रेशन बैंक है गाइस यहाँ पे, इसका काफ़ी सारा यूज होता है। जैसे ताकि इसमें रजिस्ट्रेशन बैंक में आपको 4 इमिट मिलेंगे, 1, 2, 3 और 4, जिसमें 1 इमिट में आप 8 सॉन्ग को आप स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे पास सेट हुआ 1, 2, 3, 4, 4 × 8 32 सॉन्ग हम इसमें इसको प्ले करके इसमें हम रिकॉर्ड मतलब स्टोर कर सकते हैं। अच्छा। और फिर इसको का बाद में सुनेंगे ताकि मैंने कैसा बजाया है। अच्छा। क्या दिक्कत हुआ, कोई गलती तो नहीं हुई कहीं, मेरे लिए काफ़ी बढ़िया है और सब बिगनर के लिए काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद आप देखिए ये है आपको स्प्लाइट, स्प्लाइट का ऑप्शन ये काफ़ी बढ़िया होता है। इसमें क्या होता है स्प्लाइट में कि आपको जैसे ये अगर मानते हैं कि पहला कला है इसको, अगर इसके साउंड को मेरे को अगर यहाँ से करना है, मैं यहाँ से बजाने में कम्फर्ट हूँ, तो मैं स्प्लाइट करके इसका साउंड यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे हारमोनियम में स्केल चेंजर आता है, फिर ये लेयर है, ये लेयर इसे क्या होता है मतलब स्प्लाइट से कि मेरा हाथ जिस स्केल पर बैठा हुआ है उस पर मैं सेट करके कहीं से भी बजा सकता हूँ। अच्छा। कहीं से भी। उसके बाद क्या हुआ ये लेयर है, लेयर का ऑप्शन दिया काफी बढ़िया है, जिसमें लेयर्स में क्या होता है कि अगर मैंने ये की बजा रहा हूँ, सा बजा रहा हूँ, अब इसके ऊपर लेयर मतलब हुआ क्या कि ये कोई परत हुआ, कोई ओरिजिनल हुआ, ओरिजिनल के ऊपर कोई दूसरा चीज हमने लेयर कर दिया, तो ये टोन वही बजेगा। फिर उसके बाद ये मैं लेयर करूंगा तो एक अदर टोन भी इसमें मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलेंगे देखिए टच रिस्पॉन्स का जो सिस्टम है, टच रिस्पॉन्स का मतलब होता है क्या कि अगर की को मैंने हल्के प्रेस किया तो हल्का साउंड आएगा, जोर से प्रेस करेंगे जोर से साउंड आएगी। ताकि मैंने इसमें इमोशन ऐड करने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी बढ़िया है। बाकी सब देख सकते हैं आप, ये मेट्रोनोम की ऑप्शन है इसमें। अच्छा, मेट्रोनोम का ऑप्शन है, टेम्पो है, ये फंक्शन है, जहाँ से सेट करते हैं यहाँ से हम ये फंक्शन के थ्रू वहीं ये सब सेट करेंगे जितना भी है। अगर मेरे को कोई जैसे यहाँ पर हारमोनियम दिया है देख सकते हैं 366 से 385 के बीच में, अगर इसको मैं बार बार यहाँ चेंज करूँगा नहीं तो मैं यहाँ पर सेट कर दूँगा। अच्छा,
रजिस्ट्रेशन बैंक में सेट कर दूंगा, तुरंत दबाऊंगा इसको, उसके बाद हारमोनियम जो बजाना होगा वो हम है ना शुरू कर देंगे। ये मैं ये कहीं परफॉर्मेंस करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बाकी सब क्या है वो तो मैं बिगनर हूँ तो मेरे को भी नहीं मालूम। बाकी जो भी है बहुत बढ़िया, ये मीडी का ऑप्शन दिया है। मीडी का ऑप्शन ये हुआ कि अगर हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर से तो हम इसमें को कनेक्ट करके क्या करते हैं रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सस्ते में इतने अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं, काफ़ी बढ़िया है बिगनर के लिए, तो काफ़ी बढ़िया है। तो गाइस आप लोगों को, तो गाइस आइए आप लोगों को दिखाते हैं इसका, देख सकते हो बैक साइड से कैसा इसका दिख रहा है फाइनली अपना कीबोर्ड। और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो ये थोड़ा चमक रहा होगा, ये सारा सब कुछ इसमें दिया गया है, यहाँ पे सबका सिंबल बनाया गया है, ये सारा रिदम वगैरह का, पीच वगैरह का, यहाँ पे ये देख सकते हो ये सारा सब कुछ है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा सही से, तो ये देख सकते हो आप सभी लोग, ये सारा कुछ है यहाँ से इधर से। और आइए आप लोगों को इधर से साइड से दिखाते हैं बैक वाले साइड क्या है, क्या सब इसका फीचर दिया गया है। बैक वाले साइड बजाय बताइए क्या सब फीचर है। तो आइए इधर से दिखाते हैं आप लोगों को क्या सब इसके अंदर इस देख सकते हैं गाइस, जो ये है पावर एडेप्टर का, ये मेरा यूएसबी पोर्ट है जिसको मैं इसमें लगाकर और रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर मेरे को कहीं जाकर करना होगा परफॉर्मेंस करना होगा स्टेज शो, तो वहाँ पे जो साउंड में कनेक्ट किया है आउटपुट के लिए, आउटपुट के लिए ये गाइस देख सकते हो, ये इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए, और ये पावर एडेप्टर का है, इसमें इसको पावर देने के लिए, कैसी को पावर देने के लिए। और ये क्या है, ये फोन से आउटपुट, इसमें अगर आप मेरे को अगर फोन का इसमें का रिकॉर्डिंग करके फोन में जाना होगा या फोन का कोई म्यूजिक मेरे को इसमें बजाना होगा इस स्पीकर में कैसे हो गए, तो यहाँ से कनेक्ट करके हम यहाँ से मतलब केबल से लगा कर यूज करके उसके बाद इसमें फोन बजा सकते हैं उसका। और ये इसके बाद ये देख सकते हैं यूएसबी पोर्ट है, तो यही सारा सब कुछ है गाइस इसके अंदर, ये देख सकते हो अपना फाइनली यही कीबोर्ड है। और इसे मैं अभी अब कुछ इसमें प्ले करता हूँ और इसका टाउन वगैरह क्या सब है वो थोड़ा बहुत सुनाता हूँ आप लोगों को। तो गाइस ये देख सकते हो ये रहा अमित, इनके लिए ही मैंने परचेज किया था कीबोर्ड। और ये देख सकते हो ये बिल है, बिल भी आप लोगों को दिखाएंगे क्या प्राइस का कितना पड़ा है मुझे। और तो आइए इसके इसका इसको थोड़ा सा पहले प्ले करके देखते हैं क्या कैसे बज रहा है। तो इसको अभी प्ले करेंगे और इसका टोन वगैरह क्या कैसे वो सुनाएंगे आप लोगों को और दिखाएंगे क्या सर। तो आगे आइए चलते हैं प्ले करते हैं आप लोगों को, और भी चीज़ इसका आप जो भी है बताएंगे, बिल वगैरह जो भी है सारा चीज़ बताएंगे आप लोगों को, इसका फीचर वगैरह के बारे में तो बताएंगे आप लोगों को। तो आगे आइए चलते हैं और इसके साथ क्या मिला था वो भी दिखा दे सकते हैं, दिखा देते हैं। ये देख तो इसमें पेपर वर्क के लिए ये सब था, बुक है इसमें सीखने के लिए, हाँ ये पेपर वर्क मतलब ये यूजर गाइड है कैसे यूज करना वगैरह, तो वो सारा सब कुछ है इसके अंदर। और इसे भी साइड में रखते हैं इसके, और इसके अंदर मुझे ये मिला था, ये बुक स्टैंड है देख सकते हो ये मिला था, तो इसे भी अभी फाइनली साइड में रखते हैं। तो वारंटी कार्ड भी था गाइस, ये उसका इसके साथ वारंटी कार्ड के साथ ये मुझे दिया गया है, ये देख सकते हो 3 इयर्स का जो वारंटी दिया गया है मुझे इसके साथ, यही वारंटी कार्ड है। और गेट इसका 6 मंथ्स एक्सटेंड कर सकते हैं इस वारंटी कार्ड को। और फाइनली अभी ये इसमें लगा रहे हैं, ये देख सकते हो बुक स्टैंड को। और आइए इसे अभी प्ले करेंगे और आप लोगों को दिखाते हैं क्या सर इसके, जितना धीरे जिसको प्ले करें उतना धीरे ही बजेगा, जितना जोर से प्ले करें उतना जोर से बजेगा।
है गाइस देख सकते हो अभी इसका पिच बैंड कैसे यूज हो रहा है वो दिखाता है आप लोगों को। वैसे पिच बैंड का जो यूज होता है वो इंडियन टोन में, जो इंडियन मुझे पता है उसमें हरकत मोड के सब देने के लिए, मिड नोट जो इमोशन डालने के लिए काफी बढ़िया होता है। जिसको प्ले करना आता है वो काफी अच्छे से उसको प्ले करता है। तो आइए गाइस आप लोगों को इसका फाइनल प्राइस भी बता ही देते हैं। देख सकते हो ये रहा बिल मेरा और इसका प्राइस कितना पड़ा है। इसका प्राइस मुझे जो पड़ा है वो आप लोगों को बताते हैं, 13,945 रुपये इसका फाइनल प्राइस मुझे पड़ा है, जो कि आप लोगों को बताए थे कि ये हमने सेल में परचेज किया था अमेजोन पे। जो अभी सेल चल रहा है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, दिवाली वाला सेल चल रहा है, तो इसी सेल में मैंने इसे परचेज किया है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का कीबोर्ड था गाइस, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और आप लोग अपना कमेंट करके बताना कि ये कीबोर्ड कैसा था, यदि आप लोग यूज़ करते होंगे पहले से तो मुझे कमेंट करके बताना ये कीबोर्ड आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि ऐसा ही न्यू ब्लॉग, नया वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे मिलता रहे। तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।